राम राम सर। मैं था कैसा गए था को दोस्त था को भाई लो हुकुम सिंह राजस्थान टाइम से रसो में आपको घनो घनो स्वागत है। आज अपने साथ कांग्रेस सारा नेताजी मौजूद है और बिल्कुल आप देख रहे हो सुरेश चौधरी जी अपने साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपको सुरेश चौधरी। राम राम सर। राम राम सर। आजकल कई बात है बहुत बड़ी चर्चा में रह रहे हो लगातार राजनीति में। नौलगढ़ में आपकी भेजा चर्चा हो रही है। AIC का मेंबर बनकर दिल्ली तक अच्छो अधिवेशन में अटेंड करके आए हो तो क्या को महसूस कर रहे हो आप सब? देखो मैं तो एक गांव का आदमी हूँ, छोटा सा बड़वासी गांव में पैदा हूँ। बुजुर्गों की मेहरबानी है कि बांको व्यापार जयपुर हो, जयपुर व्यापार में रहा। और जन्मभूमि तो जन्मभूमि है। आप तो ठेठ शेखावाटी का आदमी है, जमीन की माटी की कदर जाना। मैं राजनीति करे लागो तो मेरे भी मन में आई कि आप ठेठा अपने गांव में अपने शहर में अपना आदमियों के बीच में क्यों ना करा। बांके बीच में रहा, जो भी बने चाहे जनसेवा हो, चाहे वहां को कोई काम हो, चाहे कोई भी बात हो, तो वहां के बीच में रहा और काम करा। रहो सवाल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य को, बात तमाम सीनियर नेता तारे चैनल के माध्यम से मैं परम आदरणीय राहुल गांधी जी ने घनी घनी धन्यवाद दूं कि बे मन इके लिए उपयुक्त समझो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी और तमाम सीनियर नेता मेरे में विश्वास व्यक्त करो। मैंने AICC मेंबर पुनः बनाया, मैं पहले भी हो, PCC मेंबर भी हो, AICC मेंबर भी हो, आज पार्टी के प्रवक्ता की जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम की जिम्मेदारी दे रखी है, मैं और मेरा तमाम राजस्थान का, चाहे नवलगढ़ का हुए, जिले का हुए, शेखावटी का हुए, पूरे प्रदेश का हुए, सके सागे मिल बैठ के और पार्टी ने आगे बढ़ाने को काम कर रहा है और करता रहूंगा। बहुत अच्छी बात है, लगातार पार्टी ने आगे बढ़ाने की बात हो रही है। आप AIC मेंबर भी हो और आपके नौलगढ़ में और भी लोग हैं, लेकिन जो भटका विधायक साहब अबे मन क्या राख दिया कर आके बात हुई नहीं? पार्टी कांग्रेस का देखो इन रखेगा नहीं, जो वर्कर हुए, जो को पार्टी के लिए समर्पित हुए, पार्टी को काम करने के लिए तैयार हुए, पार्टी की सेवा करने के लिए तैयार हुए। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी आदमी ने कदे महत्व को नहीं देवे जो को पार्टी में को नहीं हुए। तो विधायक जी तो पार्टी में है को नहीं, वह तो निर्दलीय विधायक है। निर्दलीय विधायक बनया जना कांग्रेस ने हराई, पाछे लोकसभा को चुनाव हो जना कांग्रेस ने हराई। तो कांग्रेस ने हरावनी है आदमी ने, और कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को सदस्य बनाओ आ तो कटे हुआ कोई नहीं बात। लेकिन टिकट क्या दे? जो टिकट जिला परिषद आ रही तो बताओ कि बांट रहे रिजल्ट भी चौको कौन रही हो? देखो आ बात पहले तो तारे चैनल के माध्यम से मैं अस्वीकार करूँ हूँ कि पूरे राजस्थान में हमारी पार्टी जीती। बिल्कुल सर जीती, बधाई हो, आपने भी बात की, आपके माध्यम से बधाई। और मैं 8 नंबर वार्ड नवलगढ़ में लूज करो, मेरो गांव भी मावा है, मेरे गांव को एक हिस्सो भी करू पंचायत में आवा है, बड़वासी पंचायत और करू पंचायत, दोनों पंचायतों में मैं लीड भी दिलवाई। लेकिन क्योंकि वह पार्टी का समर्थित होने को और जिला परिषद के जी मारे गांव का भागचंद जी हा वन टिकट मिली, पर बी के बाद में वह के है कि न कोई ब्लॉक देख सो विचार विमर्श करो, न जिले देख से विचार विमर्श करो, न पार्टी का बैठा जो भी मारा सरपंच हा, जिला परिषद का मेंबर हा, पंचायत समिति का मेंबर हा, बैठा का चाहे अग्रिम संगठना का पदाधिकारी हा, तमाम चाहे बी वार्ड में आबाड़ा सीनियर मारा कांग्रेस नेता हा, कोई से विचार विमर्श न करके और अकेला ही चाल पड़ा। मैं इसकी विस्तृत रिपोर्ट भी मारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने दी भी है और भी दूंगा। तो जो कमी रही इस कमी की वजह से बैठे कांग्रेस को नहीं आ रही, व्यक्ति आ रही है। आ कांग्रेस की हार को नहीं, व्यक्ति की हार है। और जो व्यक्ति की हार को नुकसान हमारी पार्टी ने है इकली में आगे पूरी अध्यक्ष जी ने रिपोर्ट देंगे और भी सारी जानकारी बताऊंगा।
जिला परिषद उपचुनाव की बात को जो आप वो निकल कर आए हुए कि बैठक कांग्रेस को ना रही, बैठक व्यक्ति आ रही और व्यक्ति विधायक जो स्थानीय विधायक अभी के विषय में कह रहे हैं। हालांकि बात को जवाब कौन दे रहे हैं, ब्रेक के पश्चात बाबा जवाब दोबारा जाने की कोशिश करेंगे कि टिकट बने बांटना को किया क्या गेलो बैठो देखता रहो राजस्थान टाइम्स। ब्रेक के पश्चात जो मिला आप होटल नवलगढ़ प्लाजा, एकमात्र नवलगढ़ का ऐसा होटल जहां आपको मिलेंगे स्काई व्यू रेस्टोरेंट, रूफ टॉप फाउंटेन, फैमिली रेस्टोरेंट, हेल्थ क्लब, स्टीम स्पा, जिम, ऑर्गेनिक स्पा, लग्जरी होटल रूम, वीडियो एल्बम शूटिंग, कॉन्फ्रेंस हॉल विद प्रोजेक्टर, स्विमिंग पूल, लिफ्ट सिस्टम, एंटरटेनमेंट और गेम सुविधाओं जैसी आधुनिक 5-स्टार होटल सुविधाओं युक्त शेखावाटी क्षेत्र के सबसे बड़े होटल नवलगढ़ प्लाजा। पता रोडवेज बस डिपो के पास नवलगढ़। संपर्क करें 9929411422 पर। ब्रेक के पश्चात आपको तो घनो घनो स्वागत है और हमारी बात कांग्रेसी नेता सुरेश जी चौधरी साहब से हो रही है, लगातार चुकी चुकी बात निकल गई। ब्रेक के पहले जो आप बात करे बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, जो नवलगढ़ रहा बीजेपी रहा नेता है आपके, हालांकि आप छत्तीस कौम का नेता हो, जाट समाज का जो बीजेपी रहा नेता पे कह रहे हैं कि जो बात आपने ब्रेक के पहले अभी पर मैं ऑटो लाना चाह रहा हूँ कि जिला परिषद टिकट में कौन चली थे, मतलब आगे को चुनाव में थोड़ो सो बोले कि वो मौसम थोड़ो कम मान रहा बाकी नजर में, तो बिक में क्या कहना साहब आपको? देखो टिकट में चाली को नहीं या किन की चाली, टिकट कांग्रेस की हुआ है, कांग्रेस को बड़ो कदे व्यक्ति को नहीं हुआ, कांग्रेस की टिकट में दी, कांग्रेस के आदमी ने दी। लेकिन बी में मैं तान बताई ना कि मारा समर्थित विधायक, लेकिन काम पार्टी का नेतृत्व तो है, व्यक्ति का नेतृत्व तो को नहीं हुआ। मैं दिन रात मेहनत भी करी, भाग्या दौड़े, अभी भी नहीं बुलाया तो भी कांग्रेस जन गया, लेकिन इको खामिया जो जो माने भी भुगते हो माने पता को नहीं होगी तो विरोध है, तो बाक को जो विरोध हो भी विरोध को खामिया जो भुगतना पड़े हो, नहीं कि कांग्रेस की कमजोरी। कांग्रेस आज भी मजबूत है बटे, काल भी मजबूत रहेगी, और तमाम हमारा कांग्रेसी चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे बी नवलगढ़ विधानसभा का, चाहे सेवादल का आदमी है, यूथ कांग्रेस का आदमी है, महिला कांग्रेस का आदमी है, एनएसआई का आदमी है, सब लोग बहुत सक्रिय। लेकिन बाको जो विरोध हो, क्योंकि हमारे से एक बात पूछे कि लोकसभा में ये कटिया, विधानसभा में कटिया, लेकिन बी चीज को मारकन कोई जवाब कौन मिले, इको खाए भुगत रहे सवाल मेरी चली या कौन चली। मैं तो कांग्रेस हूँ, पैतृक कांग्रेस हूँ, जन्म से कांग्रेस हूँ। कांग्रेस पार्टी हमेशा ही कांग्रेस के काम करने आदमी को के महत्व है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी बहुत अच्छी तरह जाना है, और वह इस महाधिवेशन में आज सिद्ध कर दी कि स्काई लेब से टिकट को नहीं मिला, इधर दर्शावा टिकट को नहीं मिला, टिकट तो कांग्रेस ही ने मिल सी, कांग्रेस पार्टी मजबूत कर सी भी नहीं मिल सी। और क्योंकि मेरे तो रग रग में कांग्रेस बचेड़ी है, कांग्रेस है तो मैं हूँ। बिल्कुल कांग्रेस से आप जुड़े हो, पिछला 34 साल से लगातार आप कांग्रेस हो, बहुत चौकी घनी बात है, सच्चाई भी बात में। लेकिन अभी जो बात हुई जहाँ उपचुनाव में जो आ रही हूँ पक्ष एएससी सदस्यान बने है, तो अवॉइड करो भी आर को, मतलब पूरा प्रदेश में कांग्रेस जीत रही है तो बैठक नहीं जीती, तो ये माना कि फिर एक संदेश दिया जा रहा है कि भाई कांग्रेस अब नवलगढ़ में अलग नेतृत्व की सोच रखे? नहीं, कांग्रेस नेतृत्व है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राहुल गांधी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सचिन पायलट जी को दे रखी है, हमारे तमाम सीनियर नेता सब हम एकजुट हैं। आज झुंझुने की जिला अध्यक्ष है, सारे ब्लॉकों का अध्यक्ष है, पार्टी से ने जिम्मेदारी दे रखी है, इसलिए व्यक्ति को महत्व कांग्रेस में को नहीं है, वो एक सामूहिक काम चला है। कांग्रेस कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है, 36 कोमा की पार्टी है, सभी धर्म वर्ग जाति की पार्टी है, तो कांग्रेस में कोई व्यक्ति आपकी अलग पहचान करना चाहे भी को स्थान कांग्रेस में कदे को नहीं। बिल्कुल कांग्रेस कार्यकर्ता की पार्टी है, और निश्चित रूप से बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सूर्य जी चौधरी साहब। आप एक बार उजू ब्रेक लें और ब्रेक के पाछे कई और महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देखा, देखता रहो राजस्थान टाइम्स। होटल नवलगढ़ प्लाजा,
एकमात्र नवलगढ़ का ऐसा होटल जहां आपको मिलेंगे स्काई व्यू रेस्टोरेंट, रूफ टॉप फाउंटेन, फैमिली रेस्टोरेंट, हेल्थ क्लब, स्टीम स्पा, जिम, ऑर्गेनिक स्पा, लग्जरी होटल रूम, वीडियो एल्बम शूटिंग, कॉन्फ्रेंस हॉल विद प्रोजेक्टर, स्विमिंग पूल, लिफ्ट सिस्टम, एंटरटेनमेंट्स और गेम सुविधाओं जैसी आधुनिक 5-स्टार होटल सुविधाओं युक्त शेखावाटी क्षेत्र के सबसे बड़े होटल नवलगढ़ प्लाजा। पता रोडवेज बस डिपो के पास नवलगढ़। संपर्क करें 9929411422 पर। ब्रेक के पश्चात आपको घनो घनो स्वागत है। आप बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी साहब से। चौधरी जी, नौलगढ़ की बात भेजा आप कर रहे हैं, जरूरी भी आप नौलगढ़ में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो, भेजा चौक की तैयारी आपकी चल रही है, लेकिन मारो तो सवाल आगे झुंझुनू के विषय में। लोग कई लोग बोले कि आप पायलट साहब का खास वहां दिना में लोग विजेंद्र जी ओला जी भी कड़ना कड़े थारे बैकबोन में सपोर्ट कर रहे हैं, वहां को पुराना हिसाब किताब है पॉलिटिकल एक तरीके से देखा तो बीच चीज़ में कितनी सच्चाई है। देखो, कांग्रेस पार्टी का सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष है और प्रदेश अध्यक्ष के अंडर में मैं के साथ काम करूं। मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी रहे वहाँ के सागे भी काम करे है, मैं सीपी जोशी जी के सागे भी काम करे है, मैं चंद्रभान जी के सागे भी काम करे है, मैं बीडी कल्ला जी के सागे भी काम करे है, मैं नारायण सिंह जी के सागे भी काम करे है। तो पार्टी में काम करनी आदमी पार्टी की रीति नीति ने समझनी आदमी कदे दिक्कत हुआ को नहीं है। तो झुंझुनू की पूछ रहा तो झुंझुनू की विजेंद्र जी का ही लड़क को नहीं है, झुंझुनू के सब वोटर के जो कांग्रेस की विचारधारा ने स्वीकार है, कांग्रेस ने मजबूत करने का ले लागेड़ा है, कांग्रेस की रीति नीति में विश्वास करा है, बस सह लोगों के दिमाग में है कि अपा लोकसभा सीट के आ रहा बिको। नौलगढ़ की जनता भी जाना है तो झुंझुनू जिले की जनता भी जाना है तो मारो राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व भी जाना है। भैया की गलती मारी पार्टी दोबारा ना करे, इसलिए हमारा तमाम कार्यकर्ता बाकी साप्ताहिक मंथली वार्षिक सब रिपोर्ट आवे और पार्टी बड़ी सुनियोजित सिस्टम से तरीके से सारी चीज़ों की तैयारी कर रही है। बिल्कुल ठीक है, आप आ चीज़ कह रहे हो कि भाई कांग्रेस लोकसभा में जो आ रहा तो सीधे सीधे सो कारण है जो लोकसभा में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में रही है, बना भी एक जिम्मेदारी में कारण मानोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, जो अगर वह निर्दलीय विधायक बनगा फिर के बाद में लोकसभा में निर्दलीय खड़े होने को तो कोई हकी कौन बना। जे अगर वह कांग्रेस की विचारधारा ने स्वीकार कर ली, कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास करे है तो पछे दोबारा विधायक बने ना, निर्दलीय विधायक निर्दलीय सांसद को चुनाव लड़ने के लिए तो कोई करनो नहीं चाहे हो। तो बस सांसद को चुनाव लड़नो, पार्टी के खिलाफ काम करनो, पार्टी की विचारधारा के खिलाफ काम करनो, तो विषय सारा केवल थे विजेंद्र जी की बात करो, विजेंद्र जी नहीं चाहे सातों विधानसभा का सातों विधायक हैं, जो विधानसभा का सातों विधायक का चुनाव लड़े हैं, बस सहके ही बात की तकलीफ है कि झुंझुनू जिले में कांग्रेस हारने को कारण केवल ए बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, अब आप बात करें कि कांग्रेस सत्ता के नजदीक आ रही है, आथारो कहण है ठीक है, उपचुनाव जो भी है लगातार कांग्रेस जीत रही है, आप कह रहे हो कि एनी हाउ कांग्रेस सत्ता में आ रही है, तो झुंझुनू जिला में कई मानो कि आप कांग्रेस कौन कौन सी विधानसभा जीतने की संभावना ज्यादा है? आने की भी साथ तो जीत रही है लेकिन अधिक संभावना थे किम किम मान रहे हो? देखो, आदमी के सागे सामने खानो पड़े रहे और पूरो पड़े रहे जहां वो पेट भर की खाए। आज 4.5 साल से सचिन पायलट जी पूरे प्रदेश के कोने कोने में घूम घूम के मीटिंगा करे है, सभा करे है, कार्यकर्ता ने मजबूत करे है। अशोक गहलोत जी की मारी थे बाकी शोहरत शक्ति गुजरात के चुनाव में पहचानी ली, बकत्ता तकड़ा संगठन करता है, सचिन पायलट जी कितना संगठन करता है, नेता प्रतिपक्ष मारे रामेश्वर डूडी जी क्या काम कर रहे हैं, तो मारी पार्टी की ताने आज बात चौकी कौन लगेगी जो मैं कह रहा हूँ, पर आशा मीडिया की गड़ेड़ी बात है। मारी पार्टी एक है, संगठित है, मजबूत है और झुंझुनू जिले की ही नहीं पूरी शेखावाटी को माहौल है या को बन रहा है कि बीजेपी के खिलाफ है माहौल, नहीं
देश को प्रधानमंत्री जिला का हेडक्वार्टर पावे, बैठा का लोग को नहीं आवे, कुर्सी खाली पड़ी रहे, लोग आवे बांको कुर्सियां इंतजार कर पो रहे, कालो झंडा एनआरएचएम और अत्यो पैरो हो पुलिस को, चारों तरफ में यहाँ बॉर्डर बना रखे हो जानो कोई परिंदो भी पैर को नहीं मारे, और बैठे काला झंडा प्रधानमंत्री ने दिखावे तो भी जिले में बीजेपी अब अपना जो वादा खिलाफी करी है, चाहे रोजगार को नहीं दे पाई, चाहे किसानों को कर्जो माफ को नहीं कर पाई, समर्थन मूल्य को नहीं दे पाई, बिजली पूरी दे को नहीं पाई, पानी की बठिया की स्थिति खराब, सड़क की बठिया की स्थिति खराब, मारे नवलगढ़ के माँ जो हॉस्पिटल हो, मारी सरकार के टाइम पर बिन हॉस्पिटल ने बनायो, बिल्डिंग बनी, आज नवलगढ़ के पुरानी बिल्डिंग ने लोगों ने परेशानी हो रही है, बठे टैक्सी का 300 रुपया ले है, बठे भी पूरी सुविधा को नहीं। तो आज जो हालत है नवलगढ़ शहर की, ताना हालत बनाऊ बताऊं मैं कि बठे सीवर लाइन डल रही है, सीवर लाइन को सिस्टम हुआ है कि जितने एरिया में सीवर लाइन डले पीछे से रिपेयरिंग निकले, आम रास्ते में आम जन ने कोई परेशानी नहीं हुए, पर बठे दुकानदार व्यापार करने से परेशान है, दिन भर धूल उड़े है और बठिया की सड़कों की रिपेयरिंग कौन निकल रही। तो ऐसे जो हालात बन गए, अब बीजेपी जिस हिसाब से जनता को सहयोग करना चाहे हो, जनता के लिए रिलीफ देनी चाहिए, जनता का काम करना चाहे, वह सारे कामों में विफल होगी। झुंझुनों की ताने बात तो चौकी कौन लगे, पर जे ही देखो दिसंबर में परिणाम आवेगो, 2018 में चुनाव होगा राजस्थान विधानसभा का, ऐसे सातों के सातों सीट मैं कांग्रेस की झोली में डालांगा, और जिले का सारा कार्यकर्ता, कोई भेदभाव नहीं है, अध्यक्ष से लेके सातों सीटा पर चुनाव लड़वाड़ा, सह साथी महाराज जो साथी सहयोग के रूप में विचारधारा के रूप में जुड़े रहा, सह एक साथ मिलकी जुलकी संगठित होके और मैं सातों सीट लेवा। बहुत बढ़िया, बधाई बधाई, आपने मोकली मोकली बधाई है। आप कह रहे हो कि आप सातों सीटा जीत रहे हो, आप चोखा व्यापारी भी हो, चोखा राजनेता की बात आप कर रहे हो और धरातल में काम भी कर रहे हो, लेकिन सागर सागर जो मैं आपने पूछूं कम शब्दों में कि सचिन पायलट साहब को दिल्ली में नाम लियो गयो, गहलोत जी को लियो कौन गयो, तो कार्यकर्ता हम तो मैसेज आ रही है कि भाई पायलट साहब ने प्रमोट कर रहे हैं। बी स्थिति में नवलगढ़ विधानसभा की बात करें तो माणा का भी चोखा खासा वोट है, कांग्रेस माइंडेड वोट है, तो आप पॉलिटिकल मानो को नहीं कि एक संदेश जा रहे हो, तो कटे ना कटे पॉलिटिकल नुकसान की स्थिति भी थाने देखी जा सके और विधानसभा में भी मानी जा सके, इन स्थिति में के कहना चाहूंगा? नहीं देखो, मैं थाने उकम सिंह जी पहली भी कही कि ए थे जो पत्रकार हो ना, अ तारी गड़ेड़ी गड़ेड़ी बात है यार। सचिन पायलट जी ने जया सम्मान दियो, भैया बा फोटो तन कह कौन दिखी, जखी मां अशोक गहलोत जी खड़ा एक साइड में, बीच में राहुल जी खड़ा, साइड में सोनिया गांधी जी खड़ा, बा फोटो भी तो बताओ सके। आज अशोक गहलोत जी ने गुजरात की जिम्मेदारी दे रखी है, देश को महासचिव बना रखे है और बहुत बड़ा सीनियर नेता है हमारा, बाको चाहे सचिन पायलट जी हुए, चाहे राजस्थान का तमाम कार्यकर्ता हुए, वह बाको बहुत सम्मान करे, और बाकी जो सरकार के टाइम की जो योजना है, चाहे वह जितनी योजना है, वह जन्म से लेके मृत्यु तक जनता को सहयोग करो, जनता ने सोशल सिक्योरिटी की सारी रिलीफ दी, चाहे आज अशोक गहलोत जी को राज यहाँ को हो कि जख में आदमी भूखो उठ्यो सोयो को नहीं, वह ही पहला मुख्यमंत्री यहाँ कहा भारत का, जका आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुला के और मुख्यमंत्री बनने के दो महीना के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुला के कह दियो कि 5 साल के पीरियड में पूरे में किसान का पिसा बिजली का को नहीं बटन दूंगा, वह आपको वचन निभायो, वह पेंशन, वह यहाँ का यहाँ की जिम्मेदारी ने समझता, वह पेंशन को काम करो, मकान बनाने को काम करो, सड़क बनाने को काम करो, बिजली पहुंचाने को काम करो, बिजली कोई पेड़ के कौन लगे, बिजली का कारखाना लगाया, लोगों ने बाहर से बुलाया, पूरे प्रदेश में कारखाना लगाया, बीच से बिजली पैदा हुई। मैं बीजेपी के सरकार से पूछना चाहूँ कि भाई 5 साल में कितना प्लांट लगाया, बिजली तो प्लांट में पैदा हुआ है, निश्चित रूप से आप ठीक कर रहे हो, कती नदियां ने जोड़ दी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बहुत चौका काम किया गहलोत जी, लगातार कई योजना लेकर आया सरकार कांग्रेस की, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत जी आ, तो बाको लोगों को आई कि जब गहलोत जी आज भी जन नेता के रूप में आप मानो कांग्रेस ही कहीं, मतलब आप ही विषय में एक बार मन और बताओ। मैं बताई ना था ने कि अशोक गहलोत जी जो जो
इतने बड़ी शख्सियत है, मैं तो बांके सामने अधनों सो कार्य करता हूँ, जो ये प्रदेश का 3 बार मुख्यमंत्री रह ले, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रह ले, 2 बार मुख्यमंत्री रह ले, 2 बार राष्ट्रीय महामंत्री रह ले, आज भी बांको पार्टी में बहुत सम्मान है, बस सीधा वर्कर से जुड़े रहा है। और अशोक गहलोत जी में कूट कूट के पार्टी बरेड़ी है, वह आदमी से 1 इंची 1 शब्द कांग्रेस विचारधारा के खिलाफ कौन रखा, बांके बारे में देखो कि वह नाराज है, वह हो ही कौन सके, वह कांग्रेस से नाराज हो ही कौन सके। आज सचिन पायलट जी लो, बांका पिताजी कितना बड़ा नेशनल लीडर रहा, राजेश पायलट जी के अशोक गहलोत जी के बहुत मित्रता ही, वह बहुत सामूहिक सागे काम करता। आज सचिन पायलट जी वह युवा ऊर्जा के रूप में हमारे राजस्थान में, और जो हमारी स्वीकार करा बुरी हार हुई भी, बुरी अशोक गहलोत जी बहुत बढ़िया काम करे हो, लेकिन जनता स्वीकार को नहीं करे हो भी, के बाद में वह हर ढाणी में, गांव में, शहर में, प्रदेश में, संभाग में, सब जगह घूम घूम के पार्टी ने जो मजबूत करने को काम करे, तो युवा नेता के रूप में आज सचिन पायलट जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो महाराज दोनों पिलर है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुरजीत सोदी साहब की दोनों पिलर है, जटक गहलोत जी जननायक नेता के रूप में है, तो सचिन पायलट से युवा शक्ति के रूप में, युवा जोश के रूप में, और वर्तमान में कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बहुत शानदार काम कर रहे हैं, लगातार कांग्रेस से मजबूत कर रहे हैं, विपक्ष के रूप में निश्चित रूप से दोनों पिलर मजबूत किया ही, कांग्रेस मजबूताई के रूप में प्रदर्शन कर रही है, उपचुनाव वो सारी बात है। ज़्यादातर मेरे एक अंतिम सवाल वो है, लोग पूछना चाहे कि सुरेश चौधरी साहब कांग्रेस का प्रत्याशी है, मजबूत दावेदार है, अगर बाय द वे टिकट न मिले, सिंबल न मिले, तो बीस स्थिति में कहीं उसे ते तो ओ ये की बात मन पूछी है जी कि वही को नहीं, असंभव है। मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ, पार्टी हमेशा भी आदमी ने बैठे टिकट दे है, जो पार्टी को सीनियर आदमी हुआ है, वो जो पार्टी ने जीता हुआ है, तो जीता हुआ का कई फॉर्मूला है। एक तो मैं 36 कौम में विश्वास करूँ, 36 कौम के लोगों से जुड़े रहूँ, 36 कौम के लोगों ने मैं अच्छो को लगू, मन 36 कौम अच्छे लगे, और मेरे दिल से इच्छा रहे मैं बाकी सेवा करूँ, पार्टी में काम कर रहा हूँ रात दिन, पार्टी मन पतो है, मन पूर्ण विश्वास है कि पार्टी ई काम को मेरे काम ने देखी और मन चुनाव लड़ावेगी, और पार्टी चुनाव लड़ावेगी मैं चुनाव लड़ूंगा, और पार्टी मेरी पार्टी जो मेरी पार्टी में काम करनी हो, विचारधारा कूट कूट के बरेड़ी है, पार्टी के लिए दिन रात समर्पित है, वह लोगों को सबको मैं भी सम्मान करूँ, मेरी पार्टी भी सम्मान करे है। और आ बात तो टिकट देने को सवाल, वो हाईकमान को काम हुआ है, हाईकमान अब की बार वह बात को नहीं कि जो दल बदलू है, मौका फरस्ती हुए, आपको स्वार्थी हुए, अरबी पर वो पार्टियां ने बदल तो रहे, बा लोगों को स्थान अब कांग्रेस में कोनी, कांग्रेस की टिकट नवलगढ़ की कांग्रेस ही नहीं मिलेगी, कांग्रेस ही आदमी चुनाव लड़ेगो, कांग्रेस की विचारधारा कूट कूट के कांग्रेस की बरेड़ी है, वो ही आदमी चुनाव लड़ेगा। सुरेश चौधरी साहब आप कह रहे हैं आपके समय आप बिल्कुल पहचान पा रहे हो कि जो कांग्रेस विचारधारा और आदमी है, जो कांग्रेस को कार्यकर्ता है, बिना टिकट मिलेगी, और जी में कांग्रेस कूट कूट के बरेड़ी है, बिना टिकट मिलेगी। अब आप देखने जरूर रहोगी कि जिन्हें टिकट मिलेगी भी दिन कहीं चुनावी स्थिति हुए कहीं नहीं हुए, आप देखता रहो नवलगढ़ को रोमांस, नवलगढ़ की राजनीति, राजस्थान टाइम्स के सागे, और फिर मिला कोई खास शख्सियत से, दो इजाजत सागे सागे, बहुत बहुत धन्यवाद मोकली मोकली आपने, सारे प्रदेश का लोगों से राम राम साहब, घनी घनी राम राम साहब सागे सागे। ज्यादातर हमारे चीज आप देख सको कि कांग्रेस का प्रवक्ता के रूप में वाकई बाता में तो आप कह सको कि सुरेश चौधरी सर ने 10 में से 10 नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि कई सवालों का जवाब फिर घुमा फिरा कर दिया। अगली बार आप और सीधी सीधी बात करेंगे, हमारा चैनल राजस्थान टाइम ने सब्सक्राइब करो, और आप भी व्यूअर्स ने अपील करो कि मैं सभी व्यूअर्स ने अपील करूँ कि चैनल का व्यूअर्स बनो, और चैनल ने भी धन्यवाद देना चाहूँ कि अब हमारी तारे से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सच्ची बात दिखाया करो, हमारी कांग्रेस की जो मजबूती है वह मजबूत की बात जरूर बताया करो। निश्चित रूप से पत्रकारों को धर्म है कि सन निष्पक्ष रूप से दिखाओगे, और भी कड़ी में मैं मारो काम लगातार करता रहूंगा, थारी उम्मीद पर खरा उतरूंगा। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद।